और अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में कत्लेआम की हिमायत कर दी। अमरीकी सदर गजा में कत्लेआम पर इसराइल की पीठ थपथपाने लगे। अमरीकी सदर ने कहा, गजा पर इसराइली हमले दुरुस्त हैं, इसराइल की मदद जारी रखेंगे, तैयारा बरदार जहाज भेज दिया, असलाह और मिसाइल सिस्टम भी भेज रहे हैं। Let there be no doubt, the United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. उधर अमरीका में इसराइली सफीर ने हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए दुनिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा, गजा की सरहद पर हम हालत जंग में हैं। ऐसे में हम गजा में इंसानी हमदर्दी और जरूरियात की फराहमी के हवाले से किसी कानूनी जाब्ते में नहीं आते। दूसरी तरफ रूसी सदर प्यूटन ने अमरीका को इसराइल हमास जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। बयान में कहा, अमरीका ने मसले का ऐसा हल नहीं होने दिया जो दोनों फरीकैन को काबिले कबूल हो। अमरीका ने फलस्तीन की आज़ादी के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को हवा में उड़ाया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।